अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबके घरों में और कारोबार में बेपनाह बरकतें डाले। वेलकम टू अनदर रेसिपी। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन हॉट एंड सोर सूप। तो चलिए जल्दी जल्दी इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 4 to 5 पर्सन के लिए बना रही हूँ मैं। चिकन लिया मैंने तकरीबन 1 पाव चिकन ले लिया मैंने, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा ही है। वेजिटेबल्स लेनी है जिसमें मैंने कैरेट ली है हाफ, तो हाफ ही मैंने शिमला मिर्च कट कर ली है। एक अंडा ले लिया है, ये लहसुन के 4 जवे हैं, 2 हरी मिर्च हैं, चिकन पाउडर है, 1 टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून सॉल्ट है, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, जो बेसिक इसके सॉसेज हैं वो एज अ टेस्ट, जैसे आपको टेस्ट पसंद है वैसे डाल लीजिए। मैं लाइट डालूंगी क्योंकि घर में सबके गले खराब हैं, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ सूप। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। कॉर्नफ्लोर ले लिया है, 1 लीटर मैंने वाटर ले लिया है। तो अभी फर्स्ट स्टेप है इसका, मैं यखनी रख दूंगी पकने के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या डालना है यखनी में। जी हाँ, यखनी के लिए मैंने पैन ले लिया है, इसमें हम अपन चिकन ऐड कर देंगे। ये सारा सामान हम यखनी में डाल देंगे। तकरीबन 1 लीटर पानी डाल देना हमने, इसको अब मैंने हल्की आंच पे ना तब तक पकाना जब तक चिकन गल ना जाए। चलिए इसका यखनी तैयार होती है, चिकन गलता है तो फिर मैं दूसरा स्टेप आपको दिखाती हूँ। जी हाँ, तो हमारा चिकन गल चुका है अच्छे से, इसको मैं सेपरेट निकाल लूँगी। तकरीबन मैंने आधा घंटा पकाया है इसको लो फ्लेम पे। अब इस केस पे हम अपनी सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। या आप कहेंगे बहुत थोड़ा आपने कब बनाया, मैं सिर्फ 4 to 5 पर्सन के लिए बना रही हूँ। तो अब इसको ना मैंने लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट इसको पकने थे, जब तक ये ना 3 पार्ट ना वेजिटेबल्स के गल जाए। बिल्कुल हलवा नहीं वेजिटेबल को हमने बनाना। तो चलिए मैं ऑफ कैमरा चिकन को उतनी देर क्रश करती हूँ, ब्रीक करती हूँ, तो ये उतनी देर कुक होता है, फिर अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। चलिए जितनी देर वेजिटेबल होती है मैं इसमें अपना स्पॉन डाल के ना इसका बैटर बना दी कॉर्नफ्लोर का। ब्लैक पेपर ले लिया 1/2 टेबल स्पून, नमक थोड़ा सा कम था, मैंने भी टेस्ट किया है यखनी में वो कम था, थोड़ा सा लिया 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे सब। एक दो तीन चार, 4 टेबल स्पून सोया सॉस के ले लिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। बस इतना सा सिरका लेना क्योंकि गले सबके खराब हैं, तो मैंने ज्यादा नहीं लिया, जस्ट फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा डाला है। और 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस के ले लिए ओनली। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी हमने डाल देना, ज्यादा नहीं। चलो बस इसको अब एक साइड पे करते हैं, अब अंडा हम डालते हैं। अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। आप अपने हिसाब से स्पाइस वगैरह डाल सकते हैं और सॉसेस वगैरह, क्योंकि गला सबका खराब है इसलिए मैंने ना इतने ज़्यादा नहीं डाले, नॉर्मल रखे हैं। चलिए मैं डायरेक्शन चेंज करती हूँ, चूल्हे की तरफ लेके जाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें हो रहा है पक रहा है, तकरीबन 5-7 मिनट हो गए उसको पकते हुए। इस स्टेज पर हमने अपना ये चिकन मैंने कर लिया था, ये डाल देना सारा। तीन चार मिनट इसको अब हम पकाएंगे। बहुत ज्यादा सब्जी नहीं गलानी, हल्का सा क्रंचीपन इसमें होना चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं कि कच्ची कच्ची लगे, होना चाहिए इतनी ही आपने कुक करनी है वेजिटेबल। चलिए तकरीबन 4 मिनट हो गए इसको कुक करते हुए, बिल्कुल स्लोली स्लोली हमने अपना कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालना है, साथ साथ बिल्कुल चम्मच लाते जाना है आपने, छोड़ना नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान,
देखें बिल्कुल परफेक्ट कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी 4-5% के लिए बिल्कुल बहुत इनफ है इतना सूप। 2 मिनट इसको कुक करेंगे कॉर्नफ्लावर पर, फिर इसमें अपना एग शामिल करेंगे। चलिए 2 मिनट हो गए तो अब इसमें हम अपना एग शामिल करेंगे। लाके डाल देना ऐसे, एकदम से नहीं तेज लाना ऐसे। देख बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, नजर आ रहा होगा बहुत अच्छी लुक आई इसकी। एग के ना हल्के हल्के चंक्स अच्छे लगते हैं, एग के हो गए, चिकन के हो गए। चलिए इसको मैं 5 मिनट दम पे अभी रखूंगी ताकि अच्छी तरह एक जैसे सारे फ्लेवर इसमें एनहांस हो जाए, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको सूप बॉल में। हेयर इज द फाइनल लुक ऑफ माय फेवरेट चिकन एंड हॉट सॉस सूप गार्निश विद ग्रीन अनियन, साथ में सॉसेस सर्व कर दे जिन्होंने जितना दिल करता है। सिरका मैंने साथ सर्व कर दिया हरी मिर्ची डाल के, सोया सॉस है, चिली सॉस है, तो जिसका जो अपने फ्लेवर के हिसाब से लेना चाहे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की डिश बहुत पसंद आई होगी, प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत मजे का बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज 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 नीड योर सपोर्ट अलॉट। अल्लाह हाफिज।